हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में कि मोलरिटी क्या है, मोलरता क्या होता है। तो डिफिनेशन आप लोगों के सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, इसको समझने से पहले आप लोग सोल्यूशन के बारे में जान लीजिए। मान लीजिए आप वाटर ले लीजिए, वाटर H2O। ठीक है, और वाटर एज ए सॉल्वेंट है। ठीक है, हमने लिया है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में, और इसमें हमने डाल दिया नमक NaCl एज ए सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो कंपोनेंट को लेकर हमने मिला दिया, फिजिकली जो है कंबाइन कर दिया, जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। NaCl और H2 आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, सोल्यूशन मान लो बन गया। तो डियर स्टूडेंट, इस सॉल्यूशन में मान लीजिए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर है। तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl कितना मोल प्रेजेंट है? अच्छा, जितना मोल प्रेजेंट होगा NaCl, उसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, अगर वो उसका जो वॉल्यूम होगा 1 लीटर होगा, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्युट अर्थात विलेय जितना भी होगा, जितना मोल होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। मान लो NaCl, यहाँ इस सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl कितना है? NaCl 2 मोल है। ठीक है, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मोलारिटी हो जाएगा 2m, कैपिटल M से दिखाते। ठीक है, 2m हो जाता है। तो कोई भी सोल्यूशन ले लेते हैं और पर लीटर सोल्यूशन में जितना भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मोलारिटी। क्या बोलते हैं? मोलारिटी। अब आते हैं डियर स्टूडेंट मैथमेटिकल फार्मूला पर, कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या बनकर मतलब निकल कर आता है, इसको देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। मोलारिटी था, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है, फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर दीजिएगा। मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी आप सॉल्यूट लेंगे उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम को नीचे लिखेंगे लीटर में। कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में ज्यादातर जो है लीटर में देकर वॉल्यूम जो है मिली लीटर में दिया जाता है। किसमें? मिली लीटर में। तो आप लोग जानते हैं कि 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जब मिलीलीटर में दिया रहे क्वेश्चन में, तो उसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो ऐसे चेंज कर लेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा तो उसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 1000 से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या है, क्वेश्चन में दे दिया 500 या 100 मिलीलीटर दे दिया। ठीक, अब कह दिया इसको लीटर में चेंज करिए, तो लीटर में कैसे चेंज करेंगे? लीटर में 1000 से जो है भाग दे दीजिए मिलीलीटर में, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, या यहाँ से चेंज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, अगर हम 1 लीटर पर 1000 मिलीलीटर लिख रहे हैं, तो 1 मिलीलीटर पर कितना हो जाएगा? 1 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1 अपॉन 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीलीटर बराबर, अगर 100 मिलीलीटर बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 100 × 1/1000 हो जाएगा। जब 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 है, तो 100 में कितना होगा? तो 100 × 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जैसा है कि ये समझ में आ गया होगा, तो फार्मूला दूसरा जो फार्मूला बनकर आता है, निकल कर आता है डियर स्टूडेंट, वो क्या है?
मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए, तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, ठीक है, तो उसको वैसे ही रख देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर मिलीलीटर में, तो उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर, और 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देंगे डियर स्टूडेंट, तो ये 1000 बस से भाग देंगे यहाँ पर, ये मिलीलीटर में होगा, तब 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये फार्मूला बनकर आएगा डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, यहाँ मिलीलीटर में होगा, ठीक है, मिलीलीटर, जब कब हम कब लिखेंगे यहाँ मिलीलीटर, जब यहाँ पर 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये फार्मूला बनकर आ जाता है, ये वाला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, कहीं कहीं पर होता है ये कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ना देकर क्या दिया रहेगा, वहां पर वेट दे देता है, ठीक है, वेट दे देता है, किसका वेट दे देता है, वेट दिया रहता है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे देता है, ठीक है, मतलब ये ग्राम में दे देता है, मान लो आप NaCl जो है आपको दे दिया 100 ग्राम, ठीक है, और पूछ दिया कि बताइए कि नंबर ऑफ मोल कितना होगा NaCl का, तो वेट दे दिया है, क्वांटिटी दे दिया गया है, ठीक है, गिवन मास है, गिवन मास कितना है, 100 है, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो मैं बता देता हूँ, चलो मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मान लीजिए गिवन मास है, गिवन मास आप NaCl वो कितना है 100 ग्राम, ग्राम में नंबर ऑफ मोल निकालना है NaCl का, तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, तो डियर स्टूडेंट ये हो जाता है गिवन मास, गिवन मास अपान, गिवन मास अपान मोलर, मोलर मास, मोलर मास, क्योंकि NaCl है तो यहाँ पर फार्मूला मास लिख देंगे, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, अगर H2 होता तो वहां पर मोलर मास लिखते हैं, NaCl के इसमें फार्मूला मास बोलते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, चलो गिवन मास बटे में मोलर मास, तो जितना भी इसका जो है मोलर मास या फार्मूला मास जितना भी होगा क्या करते हैं, लिख देते हैं नीचे गिवन मास 100 है और इसका मोलर मास जितना भी आएगा 23.5, मान लेते हैं कुलदीन का जो है 35.5 होगा, ठीक है, तो ये 100 अपान क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये NaCl का लग रहा है 23 होता है, तो 23 का रख दीजिएगा, तो ये 5 हो गया और ये 5 3 8 और 3 5 ये हो गया, ठीक है, 100 में इससे भाग देंगे तो जितना भी आंसर आएगा डियर स्टूडेंट वही क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl आएगा, ठीक है, तो इस तरह से किसी का भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई दूसरा कुछ दे दिया, जैसे मान लीजिए एल्कोहल दे दिया, CH3OH दे दिया गया, और ये CH3OH कितना दिया गया है, ये मान लेते हैं 12 कुछ कितना मान लेते हैं, ये भी जो है 50 ग्राम भी है, 50 ग्राम CH3OH भी है, तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल आप CH3OH क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, गिवन मास, गिवन मास कितना है 50 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है, तो निकाल लीजिए मोलर मास, ठीक है, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 3 है तो 3 ही होगा और ऑक्सीजन का 16 होता है
और हाइड्रोजन का एक होता है। 17 हो गया, 17 3 20 और 20 10 30 2 32, ठीक है ये 32 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 32 ग्राम रख देंगे। ये मोलर मास होता है, मोलर मास यहाँ 32 ग्राम लिखते हैं इसका, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ठीक है यहाँ पर लिखेंगे ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है, ऊपर चला जाता है, मोल आ जाता है, ठीक है। जितना भी 50 में 32 से भाग देंगे तो जितना भी आएगा वही क्या होगा डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा CH3OH का। इस तरह से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये नंबर ऑफ मोल भी निकालना सीख गए, मोलरिटी का जो मैं फॉर्मूला बताया था वो भी जान गए। आगे इसी में थोड़ा बहुत और जो है बता देता हूँ। देखो आप लोग अभी पढ़े हो कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है डियर फ्रेंड, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है इन लीटर यही पढ़े। तो डियर स्टूडेंट जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये वॉल्यूम भी है, तो ये जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलरिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट, चेंज होता, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एम जो है किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा डियर फ्रेंड, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके लाइन में क्या मिलेगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा डियर फ्रेंड, इसके रिजल्ट में हमको ये मिलेगा कि मोलरिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक में वॉल्यूम नीचे है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ये होता है, अगर टेम्परेचर घटाएंगे डियर स्टूडेंट तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा तब क्या होगा, मोलरिटी यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, उसके बाद जो है अगर मिली लीटर में दिया रहेगा तो उसको लीटर में कैसे चेंज करेंगे, और जो मोलरिटी होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप जो है कहीं पर आप एमपी में बैठकर जो है वो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब वहीं जो है उसी सब ऑपरेटर्स को लेकर जो है, उसी सॉल्यूशन को लेकर जो है, उसका जो है जम्मू कश्मीर में जो मोलरिटी निकालेंगे तो वहाँ पर तो टेम्परेचर कम होता है, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस हो गया वहाँ का टेम्परेचर, मान लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा जम्मू कश्मीर में, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मोलरिटी वहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, मोलरिटी जो है ज़्यादा बताएगा। तो सॉल्यूशन वही है, सब चीज़ वही है, मोलरिटी जो है एमपी में कुछ और आ रहा है, जम्मू कश्मीर में कुछ और आ रहा है, तो मोलरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है मोलरिटी निकालते समय, ठीक है। और जिस एरिया में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एरिए का भी ख्याल रखा जाता है कि कहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो स्थान स्थान पर जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है मोलरिटी चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जय हिंद साहब।